योगी जी, इस बार बहुत बुरा हिसाब है। एक तो करेला बहुत पैदा हुआ है मेरे खेत में, ऊपर से कोई लेने वाला नहीं है करेला, तो मैंने सोचा क्यों ना टोकरी में रख के जगह जगह जाकर करेले को बेचा जाए। और योगी जी, तुम्हारे गुलाब के फूल की भी अच्छी पैदावार हुई है, शादी पार्टी चल रही है, इस टाइम गुलाब का फूल काफी बिकता होगा तुम्हारा। अरे मोदी जी, कैसी बात करती हो, अगर गुलाब का फूल ज्यादा बिकता होता तो मैं क्या टोकरी में लेके तुम्हारे तरह करेलों की तरह बेचता फिरता। कोई गुलाब का फूल भी इस टाइम नहीं खरीद रहा है, इसीलिए मुझे इधर उधर जाकर बेचना पड़ रहा है। अरे राहुल, ये क्या, तुम तो एक तरबूज लेकर ही चल दिए टोकरी में, क्या तरबूज एक भी नहीं बिका तुम्हारा गांव में? अरे मोदी जी, बहुत बुरा मद्दा चल रहा है, इतना बुरा मद्दा मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरबूज पैदा हुआ है पूरे खेत में और इस तरबूज को लेने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज को टोकरी में रख के दूसरे गाँव में बेच के आया जाए। तुम भी अजीब बात करती हो राहुल, एक तरबूज था घर में, काट उठ के खा के अलग करते, एक तरबूज को बेच के ऊपर पड़े हो। अगर मेरे खेत में एक करेला पैदा हुआ होता तो मैं एक करेला पका के खा जाता। अरे हवलदार केजरीवाल जी आ गए। अरे हवलदार केजरीवाल जी, क्या चाहिए, करेला चाहिए, करेला ले लो मेरा। अरे भाई मोदी जी, मैं इतनी कड़वी सब्जी नहीं खाता, बहुत कड़वा होता है करेला। अरे ऐसा करो केजरीवाल जी, फूल ले लो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के शादी पार्टी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, वही पे ये फूल ले जाना गुलाब के मेरे। नहीं होगी जी, मेरे किसी भी रिश्तेदार का इस टाइम कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शादी पार्टी या जन्मदिन कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा गुलाब का फूल अभी नहीं ले सकता। अरे राहुल तुम रुको, तुम्हारी टोकरी में बहुत बड़ा तरबूज है। अरे एक बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम तीनों लोग फल फूल सब्जी तीनों आइटम बेच रहे हो, तुम राहुल तरबूज कितने का दोगे बताओ? अरे केजरीवाल जी, एक रेट 50 रुपए का तरबूज लगेगा आपको। अरे राहुल, आधा काट के तरबूज मिल सकता है, 25 रुपए का आधा काट के दे दो। अरे नहीं सर जी, आधा मैं कहाँ पे बेचता फिरूंगा, फिर पूरा का पूरा तरबूज ले लो। तो फिर आधे पैसे उधार कर लो, पूरा दे दो मुझे, 25 रुपए है मेरे पास तो। अरे केजरीवाल सर जी, अगर मैंने आपसे 25 रुपए उधार कर लिए फिर आपसे मांगने की हिम्मत कहाँ होगी, मैं नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा, पूरे के पूरे 50 रुपए ले आओ। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, आपने भी गजब का तरीका निकाला है अपनी कार के ऊपर दुकान रखने का, क्या गजब का तरीका है, ऐसा दिमाग तो मेरे हिसाब से कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर भी नहीं लगा सकता। अच्छा मोदी जी, एक बात बताना, क्या आपने कार की छत पर छेद कर लिया है ये? बिल्कुल अखिलेश, मैंने अपनी कार की छत पर ये दुकान रखी है और कार के अंदर ही अंदर मैंने एक छेद कर लिया बड़ा सा, उसी के अंदर से मैं कार के अंदर घुस जाता हूँ और दुकान को बंद करके कार को चलाने लगता हूँ और अंदर ही अंदर से दुकान को खोल लेता हूँ। राहुल तुम मेरी कार के आगे क्यों बैठ जाती हो, क्या कार को पिचकाओगी उचकाओगी? अरे कैसी बात करती हो मोदी जी, आपकी कार कोई मोम की है जो दब जाएगी पिचक जाएगी? मैं आराम से बैठा रहता हूँ कार के आगे तुम्हारे, और मैं कोई बेफालतू में थोड़ी बैठा रहता हूँ, तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीदता हूँ मैं। अरे योगी इंस्पेक्टर जी आ गए। अरे मोदी जी, मैं तुम्हारी इस कार को दुकान मानूं या कार मानूं बताओ, क्या मानूं मैं? अरे योगी इंस्पेक्टर जी, मैंने कार में अपनी दुकान रखी है तो कार दुकान मानूं? अरे कैसी कार दुकान, तो तुम्हारा चालान काटना पड़ेगा क्योंकि तुमने कार को अपनी दुकान से ओवरलोड कर रखा है। अरे योगी सर जी, क्यों परेशान कर रहे हो मोदी जी को? अरे मोदी जी, एक जरा चिप्स की थैली देना 5 रुपए वाली। लाओ पैसे निकालो अखिलेश। अरे पैसे कैसे निकालूं, कंबल में से हाथ निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी विकट ठंड पड़ रही है। तो अंदर ही हाथ करे रहो, फिर चिप्स भी क्यों खाओगे, कंबल के अंदर ही हाथ रखे रहो अपने। अरे मोदी जी, आप अपनी दुकान बेचने में लग गए, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने, चालान कटेगा आपका। अरे नहीं होगी सर जी, मेरा आप ही की तरफ ध्यान है, वो तो अगले चिप्स की थैली मांगने लगा तो मैं उससे बात करने लगा। अरे योगी सर जी, मैं अपनी कार दुकान का जल्द से जल्द परमिशन बनवा लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन मेरा आज चालान मत काटो, अभी तो मैंने कुछ दिन हुआ है दुकान खोली है, कम से कम थोड़ी कमाई तो कर लेने दो। चलो ठीक है मोदी जी, मैं आज तो छोड़ रहा हूँ आपकी कार दुकान को, लेकिन आगे ध्यान रखना। ऐसा करो, वो दो चिप्स की थैली मुझे दे दो, मैं खाता हुआ निकल जाता हूँ यहाँ से। अरे कैसी बात करी होगी सर जी, लो लो दो चिप्स की थैली, क्या 4 चिप्स की थैली ले जाओ तुम। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश तुम बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा रहे हो ठेले में, अरे मजदूरी करने के बाद ऐसे पैसा थोड़ी मिल जाता है, सर का पसीना पैरों तक आ जाता है तो पैसा मिलता है, अब मैं अकेले खींच रहा हूँ ठेले को, तुम लोग हल्के हल्के धक्का लगा रहे हो, कोई सही से धक्का नहीं लगा पा रहा है मेरे हिसाब से। अरे ये देखो मैंने लंबा वाला ठेला बना लिया है, इस पर इकट्ठा माल ढोके लाती है अपना सब लोग, और जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेती है, लेकिन तुम एक साथ भी मेहनत सही से नहीं कर पाती हूँ। अगर तुम सब लोग हट जाओ, इस ठेले से अकेले खींच के ले जा सकता हूँ,
इतनी ताकत है मेरे अंदर, अकेले खींच के ले जा सकती हो मोदी जी, लेकिन हमें फिर क्यों लगा रखा है तुमने इस ठेले पर? मजदूरी अगर 100 रुपए मिलती है तो 40 रुपए तुम रखते हो और 60 रुपए में हम सबको बांट के देती हो, तो हम तो उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, हल्का सा धक्का लगाएंगे। सही कह रहे हो अखिलेश, अगर हल्के से धक्का लगाओगे तो पैसा भी तो हल्का ही मिलेगा तुम्हें, इसीलिए कम पैसे देता हूँ मैं तुम्हें। मोदी जी अच्छा खासा मेरा अकेला ठेला था, तुमने मेरे ठेले को बिकवा कर ये कहा कि बड़ा ठेला ले लेते हैं मिलकर, उसी पर मिलकर सामान ढोया करेंगे। अरे इस ठेले में हम सबने मिलके एक सा पैसा डाला है, फिर तुम हमें दिहाड़ी कम क्यों देते हो? योगी जी मैं बार बार बोलूं, अभी तो मैंने बताया अगर तुम मेहनत बराबर की करो तो मैं बराबर का पैसा दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई मोदी जी, हमारे बगैर तुम अकेले खींच लोगे इस ठेले को। अच्छा मोदी जी हम क्या कम मेहनत करते हैं ये बताओ, बराबर की मेहनत नहीं करते हम? अब ये अपना लोग अमित शाह जी का सामान ढो के ले जा रहे हैं 1000 रुपए का चक्कर। आज हमें साफ साफ बताओ अगर 1000 रुपए मिलेंगे उसमें से हमें कितने दोगे और तुम कितने रखोगे? देखो राहुल अमित शाह जी के इस सामान को ढोने के 1000 रुपए मिलेंगे ये तो सबको पता ही है, लेकिन जिस तरीके की तुम लोग मेहनत कर रहे हो उस तरीके से मैं तुम चारों को 150-150 रुपए दूंगा, यानी के चारों को मिला के 150-150 के हिसाब से 600 रुपए हो गए और मैं 400 रखूंगा। 600 और 400 1000 हो गए, 1000 रुपए मिलेंगे अपनों को। मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ, मैं भाई काम पे नहीं आऊंगा। भाई मोदी जी अगर तुम 200-200 अपना 5 लोगों में बांटोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तुम 400 रुपए रखोगे और हमको 150-150 दोगे, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। महिलाओं को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, हम और हमारी पूरी जनता आपका सुबह से इंतजार कर रही है, लेकिन अब आप शाम के 5 बजे आए, इतना कोई इंतजार कराता है क्या? माना के इस टाइम आप सबसे बड़े हास्य कवि हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इतना लेट आओ। चलो फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं, मेरी किताब लाए जो आपने किताब लिखी है हास्य रस पर। देखो राहुल नीचे देखो, मेरे हाथ के नीचे तुम्हारी किताब सबसे पहले लाया हूँ मैं। और राहुल टाइम तो लग ही जाता है, मैं जिस भी सम्मेलन में जाता हूँ अगर 1 घंटे के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर 3-3 घंटे तक मुझे सुनती हैं लोग। पहले वो सब तो छोड़ो, ये बताओ मेरे खाने का इंतजाम कर दिया बढ़िया तरीके से? बिना खाए मैं सम्मेलन शुरू नहीं करता हूँ। अरे मोदी जी कर दिया आपके खाने का इंतजाम कर दिया, आपके लिए 56 तरीके का भोजन तैयार कर दिया। 56 तरीके का भोजन का नाम सुनते ही मेरी तो पैंट ढीली हो गई, आज मैं पैंट को थोड़ा ढीला बांध के आया हूँ केजरीवाल, क्योंकि आज 56 तरीके का खाना खाना है तो पेट थोड़ा ज्यादा भर जाएगा। अरे योगी जी बोलो अखिलेश क्या कह रहे हो? मोदी जी से हास्य की 4 पंक्तियां सुन लो जिससे कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। अरे ये बात तुम नहीं कह सकते, मोदी जी से मुझसे कहलवा रहे हो। चलो कहता हूँ। अरे मोदी जी जी योगी जी बोलो क्या बात है? अरे अपने स्वागत में 4 पंक्तियां तो सुना दो जिससे कि पब्लिक का मनोरंजन हो जाए। जी बिल्कुल अभी सुनाते। मौसम है सुहाना। अरे मोदी जी मौसम है सुहाना पर ही अटके रहोगे, कुछ आगे भी तो बोलो। अरे राहुल किसी के सामने बोलना मत, आगे की पंक्तियां भूल गया मैं। तुम तो आगे की पंक्तियां जो मैंने किताब दी है उसी किताब में से पढ़ लेना, लेकिन पब्लिक को कैसे समझाऊं? एक तरीका है, याद तो आ नहीं रही है आगे की पंक्ति, कुछ भी कह देता हूँ। मौसम है सुहाना, कल मौसम बिगड़ भी सकता है, संभल के रहिए, बरसात भी हो सकती है आंधी भी आ सकती है। वाह मोदी जी मजा आ गया, यही तो सुनने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। वाह मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया, क्या गजब की पंक्तियां थी तुम्हारी, मजा आ गया मोदी जी। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।